श्रीकाल जी सारे, मेरा नाम शैली है। अभी मैं SMDRSD कॉलेज ऑफ एजुकेशन पठानकोट की विद्यार्थी हाँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पर्व से मैं उन्होंने सिक्ख्यावां आप सबना नाल सांझी करनी चाहनी हाँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 अमृतसर विखे पंजाब विच होया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पिता जी का नाम श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी से और माता का नाम नानकी से। श्री गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी का नाम माता गुजरी सी, आप जी के बचपन का नाम त्यागपुर सी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 115 शब्द जो हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। आप जी 11 नवंबर 1675 ईस्वी में शहीदी प्राप्त हुए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी सिक्ख्यावां विचों सब तो पहली सिक्ख्या जो है वो है बहादुरी। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी बहादुरी के जोहर उस समय दिखाए जदों आप जी के पिता द्वारा दूसरी जंग अमृतसर विखे 1634 में लड़ी गई। उस जंग में आपने अपनी वीरता के जोहर दिखाए और जीत को प्राप्त किया। आप की इस जीत को खुश होकर आप जी के पिता श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने आप जी का नाम त्याग मंत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी रख दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी जन्म के सख्त खिलाफ सन। जदों कश्मीरी पंडित जो सर आप जी को फरियाद लेके आए अपनी समस्यावां नूं सुनाउण वास्ते आए तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हां सारे कश्मीरी पंडितों दीआं समस्यावां नूं बहुत ही ध्यान नाल सुनिया अते उन्हां दीआं सारीआं समस्यावां दे निवारण लई अते उन्हां नूं जुल्म तों मुक्त कराउण वास्ते अपने आप नूं कुर्बान कर दित्ता। श्री गुरु तेग बहादुर जी जो सन उन्हां दा सिख धर्म विच बहुत वड्डा योगदान है। गुरु नानक देव जी तो बाद अगर सब तो वध किसी ने सिख धर्म का प्रचार किया तो वो श्री गुरु तेग बहादुर जी से। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के प्रचार लई हर जिले हर कस्बे हर शहर विच गए अते जदों उन्हां दे घर उन्हां दे बालक गोबिंद राय जी का जन्म होया तो उस समय आप आसाम विच सन अते उत्थे सिखां नूं प्रेरित कर रहे सन सिख धर्म के लिए। आप अपने परिवार तो सिख धर्म के प्रचार लिए बहुत समय वास्ते जो सन दूर रहे और बालक गोविंद राय उन्होंने जन्म उपरंत जो हैं वो 3 साल बाद जो उन्होंने मिले अते अपने परिवार विच वापस आए। श्री गुरु तेग बहादुर जी जो सन निर्भयता का जीवन जीवन की सिक्ख्या जो है सानू सभना नूं दिंदे हन कि सानू जो है निर्भयता मुक्त जीवन जो है वो जीवना चाहिए है। चाहे जीवन विच किसी भी तरह का समय क्यों ना आ जाए लेकिन मनुख नूं कभी भी डोलना नहीं चाहिए, उसनूं निरंतर अपने जीवन में चलते रहना चाहिए है। जब औरंगजेब ने उन्होंने सामने ही जो है भाई मती दास सतीदास भाई दयाला जी ने जो से शहीदी प्राप्त करवाया था उस समय गुरु जी उठे ही उपस्थित सन और गुरु जी के सामने ही जो शब्द स्लोक जो है बाणी रचना शामिल हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी रचना बाणी जो है वो सानू निरंतर यही उपदेश करती है कि सानू जो है मनुख जन्म का जो मंतव्य है जो मनोरथ है उसनों अपने जीवन के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का श्लोक गोड़ी नौमा बीच दर्ज है साधो गोविंद के गुण गाओ मनुखा जन्म अमोल है बिरथा काहे गवाओ। कहने का भाव यह है कि मनुखा जन्म जो है बहुत ही अमोल है, इसकी कीमत को सानू सबना समझना चाहिए है। जिन्ने समय तक मनुख जीवन सानू मिलया है सानू उस परमात्मा की उस्तत करनी चाहिए है, उसकी सेवा करनी चाहिए है। इस तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी सानू निर्भयता भरिया जीवन जो है वो जीवन की सिक्ख्या देंगे। इस तो